नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक ऐसा कानून है जो न्यायालयों में साक्ष्य स्वीकार्यता की अवधारणा को निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों की समकालीन आवश्यकताओं के मद्देनजर उसके अनुरूप इस अधिनियम में वर्ष 2000 और 2013 में संशोधन किए गए। न्याय वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विधेयक पेश किया गया। ये अधिनियम क्या है, इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं, इस अधिनियम के द्वारा क्या मुख्य बदलाव लाए जा रहे हैं, इससे न्याय प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स जो है उन्हें उठाना चाहिए, कुछ ऐसे ही सवालों के उत्तर जानने के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है श्री रोहित टड्याल जी को, जो कि सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। इसके साथ सर हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहे हैं ये है क्या? धन्यवाद। ये जो अभी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है, तो ये जो है ये जो कानून है ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। ये 1872 में जो कानून बना था इंडियन एविडेंस, ये ब्रिटिश एरा का था, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, तो वो कम जो 150 सालों से इतना ज्यादा उसने प्रोग्रेस किया हुआ है, तो टेक्नोलॉजी जो है उसको भी जो है हमारे जो भारत सरकार है उसने काफी ज्यादा अचीव किया है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, तो वो आज की डेट में हर एक इंसान के पास जो है ये मोबाइल फोन्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी कि ये जो नए कानून बन रहे हैं उसमें इसका यूज किया जाए, तो इसीलिए जो है ये कानून जो है इसको बदलाव लाना जरूरी था। और इसमें जो है जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताता हूं, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है उसको जो है इसको जो है लीगली जो है एडमिसिबल करार दिया गया है, माना गया उसके जो है लीगल जो है सेंसिटिव उसकी बनाई गई है इसमें, क्योंकि जो मैं आपको इसका बेसिक फर्क बताता हूं, इसका जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 उसमें जो थे उसमें 3 पार्ट्स में 12 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस थी जी। जो अभी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसको जो है 4 पार्ट्स में 12 चैप्टर्स है और 170 सेक्शंस है, तो ये आप कहीं ना कहीं ये समझ के समझ रखें कि जितनी भी सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट की हैं वो इसमें भी हैं। तो जो आप 3 धाराएं जिनकी आप बात कर रहे हैं जिनको बढ़ा दिया गया है, जो पहले थी 167 थी और अब जो है दिस इज 170 जैसा आपने कहा है सर, तो वो 3 धाराएं कौन सी और जोड़ी गई हैं इसमें? इसमें जो है इन्होंने सबसे पहले जो है जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई भी जो सबूत है जैसे जैसे सपोज कोई क्राइम होता है, तो क्राइम होने पर क्या होता है कि उसके 3 पहलू होते हैं कि सबसे पहले कि अगर क्राइम हुआ तो किस ऑफेंस में हुआ है, तो उसके लिए जो था वो था IPC कि आपको ऑफेंस ढूंढना कि किस ऑफेंस में हुआ है जी। दूसरा जो है अगर ये ऑफेंस हुआ है तो इसका जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन जो करनी है उसका प्रोसीजर कहाँ है, तो वो था CRPC में। और जो तीसरी चीज थी कि कोई भी सबूत जो इकट्ठे करने हैं दौरान इन्वेस्टिगेशन के, तो उसको जो है वो एडमिसिबल कैसे होगा, तो उसको करता था इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी जो चीज है जो आप पूछ रहे हैं कि जो 3 सेक्शन जो एड की गई है, ये जो है इसमें सबसे पहले किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को वो क्या गया लीगल इफेक्ट दिया गया उसको, ठीक, उसको लीगल इफेक्ट दिया गया। उसके बाद जो है एक सेक्शन और है जिसमें रिपील एंड सेविंग्स, उसमें भी जो क्या किया गया उसमें जो कहा कि जो पहले चल रहा है जितने भी जो FIRs पहले लगे हैं जो जिसमें जो 1 जुलाई से पहले 2024 से पहले है, तो वो जितना भी एविडेंस एक्ट है वो उसमें अभी भी लागू होगा पहले वालों में, तो ये कहीं ना कहीं जो है सेक्शंस को मॉडिफाई किया गया है। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा जो इंडियन एविडेंस की जो है एक्ट की सेक्शंस को उसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो मॉडिफाई किया, वो 24 सेक्शंस को जो मॉडिफाई किया हुआ है, तो ये जो सेक्शंस है उसमें इसमें ज्यादा ध्यान इसी में रखा गया है कि जहां जहां भी जो डॉक्यूमेंट है उसमें एडमिसिबिलिटी कहीं पे भी है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को है वो उसमें जो है उस सेक्शन में मॉडिफाई किया, उसमें वो डाला है।
जी सर, जिस तरह से आपने एम्फेसाइज किया है डिजिटलाइजेशन को या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है उसको आपने एम्फेसाइज किया, और जो कि इसमें ऑलरेडी जो है किया भी गया है, और 1 जुलाई 2023 से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है होने जा रही है। सर आपको क्या लगता है कि जब भी कोई बदलाव लाया जाता है तो अक्सर जो है उसको स्वीकार करना उतना सहज नहीं रहता है, तो लोगों के मन में, हम कहेंगे न्याय व्यवस्था को जो लेकर कार्य करते हैं उनके मन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं जो है वो पनपने लगी है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा कैसे होगा। तो सर ये बताइए आप कि ये विभिन्न चिंताएं जो उभर रही हैं ये क्या हैं, और इसका जो सोल्यूशन है, हल है, वो क्या हो सकता है? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जैसे ही ये कानून लागू होगा तो बहुत ज़्यादा अभी जो है सबके माइंड में है कि ये किस तरह से किया जाएगा, बिल्कुल क्योंकि ये जो पहले कानून चल रहा था इंडियन एविडेंस है कि ये 150 साल पुराना है, तो सबके माइंड में है कि किस तरह से जिसकी जो है कार्रवाई की कहते ना जाएगी। जैसे हाँ खून में बस गया। जी जी जैसे जी खून में बस गया, तो ये वही बात है कि खून में बसा हुआ था। अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको, सबूत जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन, उसको दो तरह के सबूत लेने होते हैं। एक होता है ओरल एविडेंस बोलते हैं, और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जी तो ओरल एविडेंस ऐसा होता है कि जैसे कोई जो गवाह है जो बयान दे रहा है, ठीक है, वो ओरली बता रहा है, उसको रिटर्न में फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो वो आ गया आपका ओरल एविडेंस, वो एज इट इज रहा, ठीक है, वो एज इट रहा। अब दूसरी चीज आ गई है कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उसमें जो था, हम डॉक्यूमेंट उसको बोलते थे एविडेंस एक्ट में, कि जिसमें कोई भी चीज जो एक्सप्रेस्ड हो, डिस्क्राइब्ड हो बाय मींस ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, मार्क्स, फिगर्स, यानी ऐसी चीजें जो भी एक्सप्रेस फॉर्म है, जो रिटर्न में है, उसको हम जो है डॉक्यूमेंट मानते थे, तो वो एडमिसिबल होता था। बट अब जो है BSA में, जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसमें जो है इन्होंने जो इसको, ये तो रखा ही रखा है, इसके साथ जो नई चीज ऐड की है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। यानी कि आपके पास जैसे व्हाट्सएप चैट्स हैं, आपके पास जो है जो वीडियो फुटेज, सीसीडी फुटेज बोलते हैं, जो वॉइस मेल मैसेजेस हैं, या आपके सर्वर लॉग्स हैं, या आपके लैपटॉप्स हैं, या आपका जो स्मार्टफोन है, ये जितनी भी चीजें हैं आपके पास जो भी है, ये सब के सब अगर इसमें कुछ है, यानी ये जितने मैं आपको बताया कि जैसे आप मैसेजेस हैं, ये सभी के सभी जो है अब इसको लीगल सेंटिटी दे दी है, यानी कि इसकी जो है अब ये एडमिसिबल है, ठीक। ये कोर्ट में एडमिसिबल होगा। जो अब इसमें ये चीज है कि जैसे हम इंडियन एविडेंस में, जैसे कोई भी जो ये हमें डिजिटल रिकॉर्ड देता था, तो उसके लिए क्या करते थे, उसमें हमें जो है जो देने वाला होता था या जो एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करने वाला होता था, उससे हम 65B में जो है सर्टिफिकेट लेते थे कि यानी कि ये जो है टेम्परिंग नहीं हुई है, ये ऑथेंटिकेट, जो भी जो दृश्य वीडियो फुटेज दे रहा हूं, जो कुछ भी दे रहा हूं डिजिटल रिकॉर्ड, तो वो ऑथेंटिकेट उसको करता था कि ये सर्टिफिकेट। अभी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, अब इसमें जो है जो भी ये जो एविडेंस देना चाहेगा, अगर वो डिस्प्यूट नहीं करता है तो वो एडमिसिबल है। बट उसके साथ क्या किया जाएगा, उसमें जो है ये जो है 63 में जो है वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसको। उसका भी एक जो है एक अलग फॉर्मेट बनाया है इसी में BSA में, कि जो ये जो एडमिसिबल, ये जिसको देना चाहता है एज एविडेंस इसको इलेक्ट्रॉनिक, उसको जो जो है सेक्शन 63 में जो है उसको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, तो ये क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे कि क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है, जो हमारी जो 90% पॉपुलेशन है इंडिया की, वो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज जो है वो एक असेसिबल है कि हाँ आप जो है अगर आपने FIR करनी है तो आप जो है उसके थ्रू भी जो है मैसेज कर सकते हैं कंसर्न पुलिस थाने में, कि सो दैट कि उसका जो है FIR लॉज हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं बेहतरी की तरफ भी है, बट अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसको समझना कैसे है, ये क्या है। बिल्कुल बट यहाँ पे क्या है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये 117 सेक्शंस है, तो ये एक रीअरेंजमेंट है, सेक्शंस का रीअरेंजमेंट है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको नई ही सब सारा ही लॉ चेंज हो गया, लॉ वही है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में है, वो ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें है। बट इसमें क्या गया, इसमें ज्यादा ध्यान किस में रखा है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो इलेक्ट्रॉनिक या जो डिजिटल रिकॉर्ड है, उसको जो है फोकस करके जहां जहां भी उनको जरूरत महसूस हो रही थी इस लॉ के अंदर, उसको जो है उसमें उसमें वो चीज जो है डाली है, उसमें मॉडिफाई की उस सेक्शन को। तो ये जो है आपका जो टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए जो है इसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को वो लाया गया है इसमें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है ये अच्छी तरह से लागू हो सके, इसके लिए हमें लगता है कि जो हमारे कोर्ट्स में हमारे वकील काम करते हैं
उनकी भी एक तरह की ओरिएंटेशन जो है वो होनी चाहिए, उनके लिए भी कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था जो है इस पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है? ये जब से ये दिसंबर से जो ये पास हुआ था तब से आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारी भारत सरकार है ये इन्होंने इंश्योर किया कि जितना भी हो सके जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कंडक्ट कर सकते हैं उन्होंने सबके जो है प्रोसिक्यूटर्स जजेस जो पुलिस वाले हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके लिए सबके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए सो दैट कि उनको क्योंकि ये जो है ऑन ग्राउंड काम करने वाले यही हैं बिल्कुल तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये जो है सबसे पहले हम इन्हीं को तैयार करेंगे सो दैट कि जो हम आगे जो जितनी भी डिफिकल्टीज आने वाली है सबसे पहले जो है ये जो फील्ड है इनको आएंगी तो इसीलिए जो है उन्होंने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए जो है उनको सबको जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो है मुताबिक जो है सारा उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ जो है जरूरत कहाँ है कहाँ चेंजेस आई हैं कौन सी सेक्शन जो है नई लाई गई हैं कौन सी जो है मॉडिफाई की गई हैं वो सबके पास जो है सबको एक ट्रेनिंग के तहत जो है सब कुछ बताया गया है तो अभी जो रेस्ट जो पब्लिक है तो वो जैसे आप दूरदर्शन आप यही काम कर रहे हैं कि उनको जो अवेयर करा रहे हैं ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो हम यही चाहते हैं कि आप आगे भी जो है ऐसे इनिशिएटिव लेते रहे सो दैट कि पब्लिक जो है ये आपके आपके माध्यम से जो है आप ये जो न्यू क्रिमिनल लॉस और आ रहे हैं तो उनको जो है अच्छी तरह समझ पाए। इस अधिनियम के जो हम कहेंगे इसको लागू करना है उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आपके अनुसार हमें किस तरह के जो है स्टेप्स उठाने चाहिए? ये इस हिसाब से तो सरकार तो उठा ही रही है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं हर एक जो जो ऑफिशियल है जिसको थोड़ी सी नॉलेज है उसको डिस्कशन करनी चाहिए या प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने चाहिए जैसे कोर्ट्स है या कहीं जो पुलिस स्टेशंस हैं जहाँ पे ये जितना भी है क्राइम होता है आगे पीछे क्योंकि वहाँ पे अगर FIR लॉन्च करना है तो आपने थाने ही आना है तो आपको कहीं ना कहीं ये रखना चाहिए कि इसमें जो है पब्लिक जितने ज़्यादा गैदर हो सके उनको जो है न्यू लॉज के बारे में बताया जाए जो बाकी जो है आपके दूरदर्शन के प्रोग्राम है इनके थ्रू भी और अगर कोई और माध्यम है जहाँ पे पब्लिक जो है डोमेन ज्यादा आता है तो उनको जो है किसी न किसी तरह से ये अवेयर कराया जाए तो जिस तरह से दरबार वगैरह लगाए जाते हैं ताकि पब्लिक से लोगों से आम लोगों से तालमेल जो है उसको बढ़ाया जा सके तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के दरबार जो है जनता दरबार वो लगने चाहिए? पुलिस पब्लिक दरबार तो लगते ही है तो हाँ ये मैं इंश्योर किया जाए कि वहाँ पे भी जो है ये डिस्कशन हो न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में सो दैट कि उनको बताया जाए कि जो पब्लिक को जो है क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि यहाँ कौन सी सेक्शन में क्या हुआ या अब हमारे पास क्या राइट्स हैं या हम किस तरह से कार्रवाई करवा सकते हैं या हमारे पास कौन सा सबूत है या हमें कौन सी परेशानी आ रही है तो वो वहाँ पर उनको जो है बताया जा सके। तो सर जिस तरह से अभी आपने हमें बताया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता जो है हमारे दर्शक जो है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी अच्छे से समझ गए हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है वो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और अब चूंकि 1 जुलाई से वो जो है लागू हो रहा है तो हमें इस चीज को समझना होगा कि इसमें क्या क्या बदलाव जो है वो लाए गए हैं और इन बदलाव को हम अपने जीवन में किस तरह से अपना सकते हैं और इसका भरपूर फायदा जो है वो ले सकते हैं। सर आप आज हमारे कार्यक्रम में आए और इसमें हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।